राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और लंबित सांसद राहुल गांधी को परिवारवाद पत्र के एक मामले में उपस्थित होने के लिए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। वहीं अब इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि राहुल गांधी द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले यानी 24 अप्रैल को ही की जाए। कोर्ट को यह बताया गया है कि पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को एक परिवाद पत्र में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है। यह आग्रह न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में किया गया है। राहुल गांधी के वकील अंशुल के मुताबिक इस केस में राहुल गांधी का पक्ष चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वकील आरएस चीमा करेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मालूम हो कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि जितने भी मोदी हैं वो चोर हैं। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया था। आपको बताते चले कि गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी परिषद पत्र पर राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि अगर हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दिया जाता है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। और अगर इस आदेश पर रोक नहीं लगाया जाता है तो राहुल गांधी को हर हाल में एमपी एमएलए कोर्ट में पटना में उपस्थित होना पड़ेगा। राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और लंबित सांसद राहुल गांधी को परिवारवाद पत्र के एक मामले में उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाले याचिका पर पटना हाई कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। वहीं अब इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि राहुल गांधी द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले यानी 24 अप्रैल को की जाए। कोर्ट को ये बताया गया है कि पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को परिवाद पत्र में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है और यह आग्रह न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी के वकील अंशुल के मुताबिक इस केस में राहुल गांधी का पक्ष चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वकील आरएस चीमा रखेंगे। अब ये तो देखने वाली बात हो गई कि क्या 25 अप्रैल को राहुल गांधी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होते हैं या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।